तो दोस्तों, आज भारत ने यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और भारत ने रूस और चीन के सामने ही बोल दिया कि बताओ आप सभी ईमानदारी से भारत को वीटो कब दोगे। दरअसल आप सभी को मालूम है कि भारत इस साल की शुरुआत से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रहा है और इसके लिए भारत की तरफ से P5 कंट्री से भी कहा गया कि जितने जल्दी हो सके संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार करो, अन्यथा सभी देशों को अपने मतदान के हिसाब से समान जो स्थान है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रदान करो, क्योंकि केवल 5 देशों के पास वीटो पावर होना दुनिया भर के लिए और संयुक्त राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप सभी को पता है कि चाइना ही अकेला एक ऐसा देश है जो कि भारत के वीटो में अड़ंगा डाले हुए है। परंतु अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब जी, वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ कोरिया गए हुए हैं और वहां पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत में ही विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी ने यूनाइटेड नेशन में सुधार का मुद्दा ऊपर उठा दिया और भारत ने कहा कि ब्रिक्स देशों को ईमानदारी से आगे आना होगा ताकि जो यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार हो सके। बीते 2 दशकों से यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाने में भारत सबसे आगे भी रहा है, परंतु बीते 2 दशकों से केवल भारत को निराशा ही हाथ लगी है पर वीटो पावर नहीं मिला। इसीलिए ब्रिक्स देशों से मेरा आग्रह है कि सभी ब्रिक्स देश ईमानदारी से आगे आएं ताकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में समय रहते सुधार किया जा सके। पर आप सभी को क्या लगता है, और ब्रिक्स देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुद्दा उठाने से क्या भारत को वीटो पावर मिल पाएगा, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।